लिम्रा न्यूज़, हम दिखाते हैं सच। देश प्रदेश की सभी सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए लिम्रा न्यूज़। शर्मनाक दिन ये कहे हम लोग कहना चाहते हैं। कल ये वीडियो हमारे सामने आया है, आज हम लोग इस चीज के ऊपर प्रदर्शन कर रहे हैं, सभी राज्यों में हम इसके ऊपर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो नंग व्यवस्था में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये सारी चीजें हो रही हैं, हम ये कहेंगे, क्योंकि जब तक आप कुर्सी से नहीं उतरेंगे ये नेतृत्व आप ही का रहेगा, वो मुख्यमंत्री आप ही का है। और अगर 3 महीने से मणिपुर के अंदर ये स्थिति चल रही है, मणिपुर जल रहा है, और ये सुनने में आ रहा है कि वो वीडियो 2 महीने पुरानी है, तो इस वीडियो को दबाने में भी कहीं ना कहीं आप ही लोगों का हाथ है। बलात्कार किया गया है, वहाँ का मुख्यमंत्री कहता है कि एक घटना नहीं, ऐसी हजारों घटना हो चुकी है, और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि कठोरतम सजा मिलनी चाहिए, लेकिन कठोरतम सजा मिले तो मिले कैसे, जब देश का डोंगी और बेकूफ विचार मंत्री संसद को स्थगित कर देता है हर 5 मिनट में। जब राहुल गांधी बोलते थे तो 2 मिनट में 5 मिनट में उनके भाषण बंद कर देते थे, लेकिन अब तो सदन का सदन स्थगित कर दिया। 8-2 बजे तक राज्यसभा, लोकसभा और 12 बजे तक राज्यसभा स्थगित कर दी। देश की महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, ना इंसाफी हो रही है, और किस कदर महिलाओं के साथ ये कुकृत्य हो रहे हैं, इसके जिम्मेदार नरेंद्र मोदी जिम्मेदार। आज मणिपुर में कल की रात ने वीडियो देखे जिसमें महिला के साथ वहाँ के युवक छेड़छाड़ कर रहा, बलात्कार कर रहा, जैसे कर रहा, लेकिन स्मृति ईरानी चुप की शादी हुई। और इंसाफ की लड़ाई लड़ने के, गरीब की लड़ाई लड़ने के लिए ये तानाशाही की सरकार पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार किया है। जहाँ बेटियों को नंगा परेड कराया जा रहा है, शर्म आनी चाहिए, डूब से मरना चाहिए, 60 दिन से ऊपर हो गए हैं, और प्रधानमंत्री जी इतनी सी लीपापोती कर रहे हैं इस बात के ऊपर, तो ये दर्शाता है और बिल्कुल साफ दर्शाता है कि बेऔलाद है तो औलाद वालों का दर्द क्या जानेंगे। आज इतना गंदा इन्होंने इस तरीके की हरकत करी है, इतने बड़े बड़े, मेरे 32 साल की लड़की है, मैं खुद शर्म उसमें हूँ कि कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से, कल को कोई भी लड़की हो सकती है। स्मृति ईरानी जी को शर्म आती है। मणिपुर जला है, उसी के साथ साथ एक जो जघन्य अपराध वहाँ हुआ है कि दो महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया, और उसकी जो वीडियो वायरल हुई है, और उसकी पुलिस से जब प्रशासन से वहाँ पूछताछ की गई है, तो उन्होंने कहा है कि इसको 3 महीने पुरानी है, यानी कि 3 महीने की, 3 मई का ये मुद्दा है। तो मैं ये जानना चाहूंगी सरकार से कि सरकार कहाँ है, अगर 3 महीने पहले या 90 दिन पहले ये चीज होती है तो वहां से पकड़े क्यों नहीं गए, इसका मतलब सरकार सो रही है, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो महिलाएं के साथ कुछ भी दुराचार हो। जब ये प्रधानमंत्री बने थे इन्होंने बहुत बड़ा नारा दिया था, बहुत हुआ महिलाओं पे बेटियों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, और इन्होंने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज बेटियां इनसे बचानी मुश्किल हो रखी हैं, और मणिपुर में 33 दिन से लगातार ये हिंसक घटनाएं चल रही है, 3.5 महीने से मणिपुर जल रहा है, बड़ी शर्मनाक बात है। मोदी जी बिल्कुल कोई संज्ञान नहीं ले रहे, वो विदेश यात्रा में कहीं वो वोट मांगते रहते हैं, जब मणिपुर जलता है कहीं विदेशों में यात्रा करते हैं, विदेशों की चिंता है, अपने देश की चिंता नहीं है, क्या मणिपुर हमारे देश में नहीं है। कल जो घटना हुई है बड़ी शर्मनाक घटना हुई है, हम बोल नहीं सकते उस घटना के बारे में, मतलब कहते हुए सुनते हुए देखते हुए शर्म आती है, रोना आता है कि 21 साल की हमारी बेटी का उसके भाई के सामने, उसके परिवारजनों के सामने गैंगरेप किया गया है, उसके भाई को मार दिया गया है, उसके परिवार वाले को, महिलाओं को नंगा उनको घुमाया गया है, इससे ज्यादा शर्म की बात कोई नहीं है। ये महिला विरोधी सरकार है, और ये इस सरकार में जितना महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है वो कभी हमारे देश में नहीं हुआ है, शर्म आनी चाहिए। मणिपुर में कितना, मतलब वो महिलाओं का क्या और लोगों का, किस तरह आग जली हुई है, लोग किस तरह जलकर मरे हैं, लेकिन वहाँ की सरकार जो बीजेपी की सरकार है वो तक वहाँ के उन्होंने किसी ने भी वहाँ पर कोई नहीं देखा, और महिलाओं के साथ इतना हो रहा है कि आज सारी घरों में बैठी हुई महिलाएं इतनी वो हैं कि रात को भी ये सोचती है कि क्या हम भी सुरक्षित हैं या नहीं है। मुझे ये समझ नहीं आता आज स्मृति ईरानी जी अपने घर में बैठी क्या कर रही है। अरे कम से कम मणिपुर में आपकी भी सरकार है तो आप क्यों नहीं जाते हो, वो क्यों नहीं महिलाओं के लिए देखने जाती है, क्या घर में बैठने के लिए है, कुर्सी बचाएगी बस वो, और वोटों के टाइम वोट मांगने के लिए, और मोदी जी को बचाएगी, और उनका कोई काम नहीं है। वो बेटी बचाओ नहीं कहते हैं, वो कहते हैं बेटी लुटाओ, वो तो बेटियों का शोषण क्या, और भी बहुत कुछ हो रहा है जो कि आप सब जानते हैं। इस चीज के लिए हम यही कहेंगे हर स्टेट में, आज देख लो ना, ये कोई कुदरत का नहीं है, आज ये सब जगह बाढ़ आ रही है, सब जगह आ रही है, कितने लोग मारे गए, क्या इन लोगों के कारनामे पता नहीं चले हैं। जब
जब मणिपुर में इतने ये इतने हादसे हो रहे थे तो हमारे प्रधानमंत्री जी वो कभी फ्रांस और कभी अमेरिका में बैठते हैं और उनको ये नहीं देखना था, वैसे तो वो सब जगह चले जाते हैं लेकिन उनको जो है वहाँ जाकर खुद पर्सनली नहीं जाना चाहिए था, वो क्यों नहीं गए वहाँ पर।